बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूबीएल पाकिस्तान इंटरप्राइज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने जो है वो अपने इंडेक्स को रिकम्पोज किया है, उस हवाले से जो है वो आज एक अपडेट है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। तो ETFs की रिकम्पोजिशन एक्सरसाइज में जो है वो चार कंपनीज को इफेक्ट हुए, दो कंपनीज जो है वो इनकमिंग में आई हैं और दो कंपनीज को जो है वो निकाला गया है। इनकमिंग कंपनीज में TRG पाकिस्तान है और सरले है, जबकि जो निकली हैं वो फौजी फर्टिलाइज़र और डीजी खान सीमेंट जो है वो UBL के जो ETF है उसके इंडेक्स से निकल चुकी हैं। और UBL चूंकि 9 कंपनीज को ट्रैक करता है, तो अभी जो करंटली 9 कंपनीज हैं इस इंडेक्स में, उसमें लकी सीमेंट सबसे ज़्यादा वेटेज में है 15.17%, एंग्रो कॉरपोरेशन का वेटेज 15% है, HBL का 14.65%, न्यूली एडेड कंपनी जो है वो TRG पाकिस्तान है 12.5% की वेटेज के साथ, हब पावर कंपनी लिमिटेड 11.6% की वेटेज है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की 10.76%, UBL का 9.8%, ईफर्ट 6.4% वेटेज है, जबकि सरले जो अभी नई ऐड हुई है उसका भी वेटेज 3.93% रखा गया है। तो ये जो चेंजेस हुई हैं ये 4 मई यानी कल से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी।